प्रतिबल क्या है? किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर किसी वस्तु के क्या है? किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इसकी इकाई बल तथा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसकी इकाई बल तथा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जैसे किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोग्राम प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आता है हमारा प्रतिबल के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस मतलब होता है प्रतिबल। प्रतिबल के जो प्रकार है ये मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। तनन प्रतिबल, तनन प्रतिबल क्या है? वस्तु पर लगाया अधिक बल जो उससे टेंशन पैदा करता है, इसका लगाने से वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो सकती है। वस्तु पर लगाया गया बल जो उसमें तनन पैदा कर सके अर्थात वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो, लंबाई में वृद्धि हो सकती है। तनन प्रतिबल कहलाता है। इसके बाद आता है दूसरा नंबर, आता है हमारा संपीड़न प्रतिबल। क्या आता है? संपीड़न प्रतिबल। संपीड़न प्रतिबल क्या है? वस्तु के कणों को दबाने वाला बल जिसके कारण
उसका आकार छोटा हो सकता है, छोटा छोटा हो सकता है, संपीड़न में कहलाता है, संपीड़न बल कहलाता है। इसके बाद आता है संपीड़न प्रतिबल कहलाता है, ये तनन प्रतिबल के विपरीत बल होता है, ये तनन प्रतिबल के विपरीत बल होता है। नंबर एक अपरूपण प्रतिबल, नंबर दो ऐठन प्रतिबल, नंबर तीन नमन प्रतिबल। नंबर तीसरा है अपरूपण प्रतिबल, क्या है अपरूपण प्रतिबल। नंबर फोर है ऐठन प्रतिबल, ऐठन प्रतिबल। नंबर फाइव है नमन प्रतिबल। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्रियात्मक प्रतिबल, क्या आता है क्रियात्मक प्रतिबल, क्या है क्रियात्मक प्रतिबल, क्रियात्मक प्रतिबल क्या है? किसी वस्तु पर लगाया गया वह बल, किसी वस्तु पर लगाया गया वह बल जिसे वस्तु बिना किसी हानि के सहन कर सके, जिसे वस्तु बिना कुछ हानि के सहन कर सके क्रियात्मक प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, बाकी मैं आपको अंतिम प्रतिबल के बारे में कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, यह अंतिम प्रतिबल आपको पढ़ा ही देता हूँ। अंतिम प्रतिबल क्या है? अंतिम प्रतिबल है किसी वस्तु पर लगाया गया अधिकतम बल, किसी वस्तु पर लगाया गया अधिकतम बल अंतिम प्रतिबल कहलाता है, अंतिम प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, बाकी मैं आपको अगले वीडियो में आपको